कराची धमाके में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर के वालिद दिलावर खान भी जान से गए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर अली जैदी असद उमर के साथ आलमगीर के घर गए और ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान ने भी रुकने कौमी असम्बली के वालिद के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कराची धमाका रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद की भी जान ले गया। दिलावर खान का शेरशाह में ही शोरूम है। वो किसी काम से तबाह होने वाले बैंक की ब्रांच में मौजूद थे कि धमाका हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर आलमगीर के घर पहुंचे, जिन्होंने आलमगीर से ताजियत का इजहार किया। अरे के फैमिली के साथ अचानक सडनली ऐसा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि खतरनाक इलाके में गए हुए थे या कुछ ऐसा था, तो अफसोसनाक है। दुआ कर सकते हैं, जो और भी शहादतें हुई हैं, जो मजीद लोगों का इंतकाल हुआ है इसमें, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। इजहार अफसोस के लिए अली जैदी भी आलमगीर के घर पहुंचे। बड़ा अफसोस हुआ आलमगीर, हम कम अज़ कम मेरा तो छोटा भाई है, इतने साल गुजर गए, 15 साल से साथ हैं। ये अरसलान खुर्रम, अरसलान आलमगीर तो मेरे ख्याल में 2004-05 से मैं साथ देख रहा हूँ, तो कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास तो, और अफसोस है और बस सब्र कर सकते हैं इस वक्त ऐसे मौके पर। वजीर आजम इमरान खान, वजीर दाखिला शेख रशीद, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और सिंध के सूबाई वज़रा ने भी आलमगीर के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।